सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं कक्षा पाँचवीं के पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 22, जिसका नाम है परिवहन की बात करूंगी। अब इस पार्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले उन मुख्य बिंदुओं को हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब लाते या ले जाते हैं तो हम उन्हें कैसे ले जाते हैं। हम अगर दूर ले जाना चाह रहे हैं तो उन्हें अपने कंधों पर या सिर पर रखकर तो नहीं ले जा सकते, तो उन्हें हम कैसे ले जाते हैं, थोड़ा सोचिए। फिर हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि परिवहन के विभिन्न साधन क्या क्या हैं। हम और भी जानेंगे कि राष्ट्रीय और राजकीय मार्ग, देखिए दोनों समांतर लग रहे हैं ना बोलने में, पर दोनों में क्या फ़र्क है, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। हम वाहनों के नंबर प्लेट की बात करेंगे। आपके घर में भी स्कूटर होगी, कार होगी, और देखिए उस पर एक नंबर प्लेट होती है ना, तो उसका क्या मतलब है आप आज वो भी जानेंगे। फिर आप ट्रेन से भी आते जाते होंगे, आपने देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो एक बड़ी सी इस तरह की जो है रेलवे समय सारणी लगी होती है, उस पर ट्रेन का नंबर, समय, ट्रेन का नाम सब लिखा होता है, तो आप उसे भी कैसे समझें वो आज जानेंगे। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ जो है वो भी जानेंगे कि रेलवे का जो टिकट होता है, उस टिकट को आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हम आएगा टीसी तो दिखा देंगे और वो हमें बैठने देगा, जी नहीं, उसमें बहुत सारी बातें अंकित होती हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। अब इसे देख के आपको लग रहा होगा कि हम तो परिवहन की बात कर रहे थे, ये आम कहाँ से आ गए, चलिए बताइए ये क्या है। ये है दशहरी आम। क्या ये हमारे रायपुर में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, आपने खाया भी होगा। पर ये आता कहाँ से, पता है आपको? देखिए, मैंने आपकी किताब से ही इस फ्लो चार्ट को लिया है ना। ये देखिए, सबसे पहले वाले में हमने क्या लिखा है, लखनऊ के आम के बगीचे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दशहरी आम है मूलतः लखनऊ में पाया जाता है। अब आपके रायपुर से लखनऊ तो बहुत दूर है, तो ये आता कैसे है? देखिए, लखनऊ के ये बगीचों से उसकी मंडियों में जाता है। मंडी आपको पता है, जैसे सब्जी मंडी होती है, फलों की मंडी होती है, तो ये बगीचे से मंडी तक पहुंचा, फिर वहाँ की मंडी से ये रायपुर की, मतलब आपके रायपुर में आया। फिर रायपुर से अगर आप किसी दूर जगह पे है, किसी गांव में है, किसी कस्बे में है जो रायपुर से दूर है, तो ये वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से ये फलों की दुकान तक पहुँचता है, और दुकान से इसे खरीद कर ये आपके पास आता है। आपके पापा लाते हैं या आपकी मम्मी लाती है ना। तो ये इतना लंबा रास्ता कैसे तय करता है, ये आपको भी जानना है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो रास्ता तय कैसे करता है। बच्चों, आप कभी भी बस से या ट्रेन से एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो आपने रास्ते में इस तरह के पत्थर देखे होंगे, है ना। इन्हें जो है, देखिए दो रंगों से मैंने दिखाया है, एक पे मैंने देखा एक पे हमने पीला रंग देख रहे हैं और दूसरे पे हम क्या देख रहे हैं, हरा रंग। आपको पता है इसका मतलब क्या है, सोचिए। अगर पता है तो याद करिए, और नहीं तो चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चलिए आगे बढ़े। सड़क के किनारे बने राष्ट्रीय राजमार्ग को पीले रंग से, राष्ट्रीय राजमार्ग को, ठीक है, और हरे रंग से राजकीय राजमार्ग को दिखाया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये राष्ट्रीय और राजकीय क्या है, तो ये भी देखिए हमने लिखा है यहाँ, एक राज्य की, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ हमारा एक राज्य है, तो इसकी दो या दो से अधिक जिलों को, जैसे राजनांदगांव और रायपुर, ये दो जिले हैं, तो इनको जो जोड़ने वाली सड़क है उसे हम क्या कहेंगे, राजकीय राजमार्ग। और जब दो या दो से अधिक राज्यों को, जैसे हमारे
पड़ोसी राज्य की हम बात करें महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन दो राज्यों को कोई सड़क जब जोड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, देखिए मैंने इन चित्रों में भी आपको दिखाने की कोशिश की है, आप चाहें तो इसे नक्शे में भी इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हमने क्या दिखाया है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इस तरह आप इसे ढूंढ सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि हम इस पाठ में एक रोचक बात भी जानने वाले हैं जो अब तक शायद आपको नहीं पता थी, और पता भी होगी तो आपने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए ये 3 नंबर हमने यहाँ लिखे हैं है ना, ये कहाँ लिखे देखे होंगे आपने, बिल्कुल सही, ये आपने देखे होंगे गाड़ी की नंबर प्लेट पे। पहले वाले को पढ़िए क्या लिखा है, CG, दूसरे में लिखा है MP, और तीसरे में लिखा है RJ। आपके दिमाग में कुछ कुछ तो आया होगा। जी हाँ, CG का मतलब होता है छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, आप यहाँ गाड़ी खरीदते हैं तो आपके गाड़ी की नंबर प्लेट पे CG होगा। अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से है और उसकी गाड़ी पे क्या लिखा होगा, वहाँ खरीदी है उसने, ये ज़रूरी नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ और MP की है तो वो यहाँ नहीं चलेगी या यहाँ की गाड़ी वहाँ नहीं चलेगी, ये चल सकती हैं, उसके भी अपने नियम हैं। पर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वो गाड़ी मूलतः किस राज्य से है। और RJ का मतलब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसे आप खुद ढूंढिए। और भी ऐसी कई नंबर प्लेट्स आपने देखी होंगी जिस पे अलग अलग राज्यों के नाम लिखे हैं, तो इन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए और इन राज्यों के नाम भी पता कीजिए। ठीक है, अब हम देखें रेलगाड़ी और मालगाड़ी। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेलगाड़ी में तो आप बैठते हैं, और मालगाड़ी बिल्कुल सही, जो माल लेकर आएगी या जाएगी। तो जिस गाड़ी का हम उपयोग लंबी दूरी तय करने के लिए, लंबी से मेरा मतलब जिसे हमें बस से जाने में बहुत समय लगेगा, ऐसे समय हम कुछ तेज वाहन, मतलब बस से तो तेज चलती है रेलगाड़ी, इसलिए हम लंबी दूरी के लिए जो कम समय में हमें पहुंचा दे, इन गाड़ी का हम उपयोग करते हैं। तो यात्री अगर बैठ रहे हैं तो उसे हम रेलगाड़ी कहेंगे, और जिस गाड़ी का उपयोग हम लंबी दूरी तक सामान को ढोने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मालगाड़ी। आप देखना चाहेंगे, ये देखिए ये क्या है, ये रेलगाड़ी है जिसमें हम बैठते हैं। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि ट्रेन में या रेल में बैठने के लिए हमें टिकट लेना होता है। ट्रेन का टिकट जो है आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो जब भी आप कभी सफ़र करें तो इस टिकट को ज़रूर रख लें और देखें, और इन सारी बातों को समझने की कोशिश करें। इसमें हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, ये देखिए, इसमें ट्रेन का नंबर लिखा होता है कि इस नंबर की ये ट्रेन है और इसी में आपको बैठना है। इसमें यात्रा शुरू करने का समय, समय के साथ साथ इसमें तिथि या दिनांक भी दी गई होती है कि आपको किस दिन उसमें बैठना है, किस समय। फिर आप जब पहुंचेंगे, कभी कभी सफ़र लंबा होता है तो आपको 1 रात या 2 रात भी चलना पड़ता है, तो दूसरे दिन आप पहुंचेंगे तो वो तिथि भी उसमें दर्शाई गई होती है। बर्थ का नंबर, आपको किस बर्थ पर, मतलब जिस जगह आपको बैठना है उस पर नंबर लिखा होता है तो वो भी इस पर अंकित होता है, और आपने कितने पैसे देकर उस टिकट को लिया है, मतलब उसका किराया, और भी कई जानकारियाँ इस टिकट पर अंकित होती हैं इस तरह। ठीक है, चलिए अब हम देखें कि वो जो समय सारणी होती है रेलवे की, उसे हम कैसे समझें। यहाँ पर हमने एक ट्रेन का नंबर और उसका नाम लिखा है, ये आपकी किताब से ही मैंने लिया है, तो आप अपनी किताब में भी इसे देख सकते हैं। इसमें हमने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की बात की है, ठीक, यहाँ पर क्रमांक है, उसके बाद स्टेशन है, उसके बाद पहुँचने का समय दिया गया है, और उस स्टेशन को छोड़ने का समय भी इसमें लिखा है।
यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न हैं कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन से चली थी। आपको पता है स्टार्ट जहाँ लिखा है मतलब शुरुआत है ना, वो कहाँ से चली दिख रहा है आपको, बिलासपुर से, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न देखिए, भाटापारा में कितनी देर रुकी। अब आप इसमें भाटापारा ढूंढिए कहाँ लिखा है, और वहाँ पर पहुँचने का समय और स्टेशन छोड़ने का समय, तो छोड़ने के समय से पहुँचने के समय को घटा दीजिए तो आपको वो वहाँ कितनी देर रुकी ये पता चल जाएगा। और तीसरा प्रश्न क्या है, ट्रेन रायपुर कितने बजे पहुँची। तो आप इसमें देखिए कि रायपुर जंक्शन कहाँ लिखा है और पहुँचने के समय को आप नोट करके इसका उत्तर लिख लीजिए। तो आप रेलवे स्टेशन पे जब भी जाएं तो इस तरह सारणी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। चलिए अब मालगाड़ी, क्या आपने मालगाड़ी देखी है, बिल्कुल देखी होगी। इसमें कौन कौन सा सामान लाया और ले जाया जाता है, इसमें कितने डिब्बे होते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आप अगर काउंट करने जाएं, गिनने जाएं, तो ये तो बहुत लंबी होती है इस तरह, है ना। तो मालगाड़ी में बहुत से सामान लाए और ले जाए जाते हैं, है ना। अब हम कुछ ऐसे जगह की बात करें जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, जहाँ पर पानी है, जैसे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तो ऐसे लोग जो है वो पानी में चलने वाले साधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस पार जाना है तो नदी को पार करना है, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो करेंगे नाव, डोंगा, जहाज, समुद्र में तो जहाज चलेगा, है ना, इन सारे साधनों का वो इस्तेमाल करते हैं। ये हम जो जहाज की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के रास्ते जो एक देश से दूसरे देश आना जाना होता है वो समुद्री जहाज से भी होता है। और मैंने जैसे आपको कहा कि जहाज पर कभी कभी बहुत सा सामान भी लाद कर लाया और ले जाया जाता है, जैसे चाय पत्ती है, तेल है, पेट्रोल है ना, ये भी पानी के जहाज के द्वारा लाया और ले जाया जाता है। अब मैंने कहा पेट्रोल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेट्रोल जो है वो तो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर ये आता कहाँ से है। आप कहेंगे पेट्रोल पंप से, और पेट्रोल पंप में कहाँ से आता है, तो चलिए इसकी भी जानकारी ले लें। पेट्रोल जो होता है ये ज़मीन के बहुत नीचे, है ना, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वे दब जाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे कई सालों तक वो इस तरह दबे हुए रहते हैं। और ये जब ज़मीन के अंदर होते हैं तब ये एक बदबूदार तेल के रूप में होते हैं, ठीक है। जब इन स्थानों का वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जहाँ ज़मीन के नीचे तेल मौजूद होता है, फिर बड़े बड़े पाइप जो हैं मशीनों की सहायता से अंडर डाले जाते हैं और इनसे तेल निकाला जाता है। ये तेल को फिर साफ़ करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि रूप में हम इस्तेमाल करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सालों बाद इतने अंदर ये बन रहे हैं तो हमें तो इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है ना। तो सोचिए कि इनके संरक्षण के लिए हम क्या उपाय करेंगे। क्या गाड़ी से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी भी हो सकती है क्या, ये भी सोचिए। वो किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से भी हमें परेशानी होती है, क्या आप कान बंद करते हैं ना, तो वो किस तरह की हो सकती है। इन सभी प्रश्नों पे आप विचार करें। अब हम देखें हवा में चलने वाले वाहन। आपको पता है कि हवा में क्या चलता है, बिल्कुल सही, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर। यहाँ एक प्रश्न है कि विनय को किसी काम से तुरंत दिल्ली जाना है। अब ट्रेन से अगर वो जाएगा तो उसे 28 घंटे लगेंगे, तो आप कोई ऐसा साधन बताएंगे कि जिससे वो तुरंत 2 या 3 घंटे में पहुंच जाए। हाँ, ऐसा साधन भी है ये, जिसे आपने आसमान में देखा होगा। तो हवाई जहाज कहाँ से उड़ता है, हवाई अड्डे से। तो हवाई अड्डा क्या है, ऐसा स्थान जहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरते हैं या उतरने की भी उनकी वही जगह होती है, उसे हम हवाई अड्डा कहते हैं। और इस हवाई जहाज से हम बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी को तय कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा,
हमने परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में जाना, हमने सामान और यात्री हेतु परिवहन के साधनों की बात की, हमने राष्ट्रीय तथा राजकीय मार्ग की बात की, हमने सड़क, जल और हवाई मार्ग की भी बात की। तो बच्चों, आज जितना भी हमने बात की उससे हमें कितना समझ में आया, ये हम इन प्रश्नों का उत्तर देकर जान सकते हैं। देखिए, ये लिखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख दो राजमार्गों का नाम लिखो। आपको पता है, अब आप जान सकते हैं। लिखिए, प्रश्न दो है, रेलगाड़ी से यात्रा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आप इसे ध्यान से लिखें, ठीक है। तीसरा, हवाई यात्रा के क्या क्या लाभ हैं। बहुत सारे हैं ना, आप कोई चार या पांच लिख लीजिए। और आपको मैं गृह कार्य भी दे रही हूँ। देखिए, आपके आसपास दिखने वाले वाहनों के नंबर नोट कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए रोड से आते जाते घर के आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, केवल उन्हीं के नंबर नोट कीजिए और पता कीजिए कि ये किस राज्य से हैं। और ज़्यादातर आपको कहाँ की मिलेंगी, छत्तीसगढ़ की। ठीक, ट्रेन की टिकट देखकर उस पर दी गई जानकारी को नोट कीजिए। अगर कोई पुराना ट्रेन का टिकट मिलता है तो उसे आप रख लीजिए और उसे गौर से देखकर जितनी भी जानकारी आपको समझ में आती है उसे नोट कीजिए। तो आज इस मज़ेदार पाठ पढ़कर हमने बहुत सारी बातें जानी, और भी बातें हम जानेंगे और आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।